यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काजल। इसी ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का ब्लॉग जो है ना, मैंने कल शाम से स्टार्ट किया, तो कल शाम से लेके आज 11 बजे का ब्लॉग है। तो प्लीज़ आप लोग ब्लॉग को फुल वॉच कीजिएगा और पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और जो भी दिखने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब करके हमें दिल से सपोर्ट कर दीजिएगा। तो देखिए कल शाम के बजे है 6, तो मैं अभी बना रही हूँ चाय, और यहाँ पर देखो चाय बन गई है। तो मैं सबको चाय दे भी देती हूँ और मैं खुद भी चाय पी लेती हूँ। और थोड़े से कुछ बर्तन भरे हैं जो दिन के, जो अभी तक मैंने धोए नहीं थे, तो चाय पीने के बाद मैं ये बर्तन को भी धो लूँगी। उसके बाद जो है ना, फिर मैं जाके खाने की तैयारी करने लगती हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैं चाय बनाने के बाद मैंने यहाँ पे बर्तन धो दिया है। तो यहाँ पे मैं आज रात में खाने में बनाने वाली हूँ सब्ज़ी। तो यह सब्ज़ी देख लीजिए, पत्ता गोभी और गाजर की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। पत्ता गोभी में गाजर मिक्स करने के बाद जो है ना, सब्ज़ी बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा चलो आज सब्ज़ी में जो है ना, कुछ अलग दे दिया जाए। तो अभी गाजर का सीजन चल रहा है, तो मैंने गाजर ऐड कर दिया। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं सिंपल सा भुजिया बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैंने पत्ता गोभी और गाजर को कट कर लिया, यहाँ पे मैं धो रही हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं अब सब्ज़ी में छौंक लगाऊंगी, और यहाँ पे मैंने आटा भी मिला के रख लिया है। तो यहाँ पे देख लीजिए, सब्ज़ी को छौंक लगाने के बाद आटे को भी मिला रही हूँ। और यहाँ पे देख लीजिए, मेरी यहाँ पे आटे भी मिल के रेडी हो गई है। तो यहाँ पे देख लीजिए, मेरा खाना एकदम रेडी हो गया है। तो अभी टाइम हो रखा है 8, तो यहाँ पे मेरा खाना बन गया है। तो यहाँ पे मेरी भुजिया भी रेडी हो गई, यहाँ पे मेरा रोटी भी बन गया। तो मैंने फटाफट बना लिया क्योंकि बाबू सो गया था, तो मैंने सोचा जल्द बना लेती हूँ, फिर उठने के बाद दिक्कत करेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, बर्तन भी मैंने धो लिया था। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को फिर से दिखा रही हूँ कि यहाँ पर मेरा भुजिया रेडी हो गया है, और कितना प्यारा प्यारा कलर लग रहा है ना, तो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, मेरा दोनों खाना मतलब रोटी सब्जी बन गया है। तो फिर मैं अभी से जो है ना, मतलब आज से डे की शुरुआत करती हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, आज मैं खाने में बनाने वाली हूँ सब्ज़ी चावल, और सब्ज़ी जो है ना, मतलब कि आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी मसालेदार बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग सब्ज़ी जो बनाते हो ना, और सोयाबीन को अगर मतलब बीच से कट कर दोगे ना, इस तरह तोड़ तोड़ दोगे ना, तो इससे जो है ना, सोयाबीन की सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा मतलब कि टेस्ट बढ़ जाता है। तो आप भी कभी ट्राई करना। तो यहाँ पर देख लीजिए, उसी तरह मैं सारे सोयाबीन को जो है ना, टुकड़ों में कट कर रही हूँ, दो भाग कर रही हूँ। और जो बहुत बड़े बड़े सोयाबीन एक तो होते हैं ना, उसको मैं दो तीन टुकड़े कर देती हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, इस तरह से जो है ना, आपकी सब्ज़ी बहुत ही मतलब सोयाबीन की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाती है, कभी ट्राई करना। तो यहाँ पे देख लीजिए, उसी तरह मैं सारे सोयाबीन को तोड़ रही हूँ। और यहाँ पर जो है ना, मैंने आलू को भी बॉयल करके रख लिया है, मसाले को मैंने रेडी करके रख लिया है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि यहाँ पर देख लीजिए, सारा सोयाबीन मैंने टुकड़ों में बांट लिया है दो भाग में। तो यहाँ पर देख लीजिए, मसाले में मैंने जो है ना, नॉर्मल जीरा मिर्च, धनिया, लाल मिर्च, लहसुन और एक प्याज दिया है। और यहाँ पे मैंने अलग से, और मैंने ना यहाँ पे टमाटर के अलग से मतलब कि ग्राइंडर करके रखा हुआ है। मैंने मीडियम साइज़ के 3 टमाटर लिए हैं। तो सोयाबीन की सब्ज़ी में टमाटर भी देने से बहुत ज़्यादा मतलब कि स्वाद जाता है इसका। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी है। तो चलो मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी शुरू करती हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैंने सोयाबीन को जो है ना, एकदम गोल्डन गोल्डन सा फ्राई कर लिया। तो इस तरह से जो है ना, आप छोटे टुकड़ों में बांटोगे ना, तो थोड़ा सा रेड करके अप राउंड करना, तो बहुत ही ज़्यादा खाने में यमी लगेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, आलू और सोयाबीन दोनों मैंने फ्राई कर लिया। तो यहाँ पे देख लीजिए, अभी जो है ना, मैं मसाले फ्राई कर रही हूँ, और मसाले मैंने नमक थोड़ी डाल दिया है। तो यहाँ पे देख लीजिए, मसाला मेरा फ्राई हो रहा है। और जब मेरा मसाला मतलब कि मसाला का 3 हिस्सा पक जाएगा, उसके बाद मैं टमाटर को ऐड करूँगी। तो यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड, मसाला जो है ना मेरा पक रहा है, थोड़ा थोड़ा तेल भी ये छोड़ रहा है। तो अब जो है ना, मैं टमाटर को भी ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, मेरा मसाला बहुत ही बढ़िया तरीके से पक रहा है। और जब तक मसाला मेरा अच्छे से पकेगा नहीं, तब तक मैं सब्ज़ी को नहीं डालूँगी। तो यहाँ पे देख लीजिए, सब्ज़ी जो है ना मेरी, तो यहाँ पे देख लीजिए, सब्ज़ी मेरी बनके रेडी है। और ये कितना यमी यमी लग रहा है ना, तो खाने में भी ज़बरदस्त लगा था। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे भी एक बार ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगे। तो प्लीज़ अच्छा लगे तो सपोर्ट कीजिएगा फ्रेंड्स हमारे चैनल को। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए बाय बाय।